हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हेलोपेरिडोल टेबलेट के बारे में। यह टेबलेट मानसिक बीमारी को ठीक करने के लिए यूज की जाती है। जानेंगे यह टेबलेट आपको मार्केट में किस नाम से मिल जाती है, इसकी क्या स्ट्रेंथ रहती है, इस टेबलेट का यूज कौन सी मानसिक बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है, इस टेबलेट का क्या डोज रहता है और इस टेबलेट को लेने से कौन कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं और इस टेबलेट को लेते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी होती है, ये सभी बातें जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे कि आपको इस टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलोपेरिडोल टेबलेट की बात करते हैं तो यह एक एंटीसाइकोटिक मेडिसिन है, जिसे हम न्यूरोलेप्टिक मेडिसिन भी कहते हैं। यह हमारे मस्तिष्क में डोपामिन को ब्लॉक करता है, जो कि एक मैसेंजर है, और यह हमारे मस्तिष्क में थॉट तथा मूड को कंट्रोल करता है। जब भी किसी मरीज को एंटीसाइकोटिक मेडिसिन दी जाती है तो उस व्यक्ति के शरीर का वजन बढ़ने लगता है और साथ में कुछ अन्य समस्या भी बढ़ने लगती है। लेकिन जब किसी व्यक्ति को हेलोपेरिडोल टेबलेट दी जाती है तो उस व्यक्ति का वजन भी नहीं बढ़ता है और साथ में उस व्यक्ति को जॉइंटिस तथा एपिलेप्टिक अटैक की समस्या भी बहुत कम हो जाती है। और हेलोपेरिडोल आपको टेबलेट, सिरप तथा इंजेक्शन के फॉर्म में मार्केट में आसानी से मिल जाता है, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ टेबलेट के बारे में बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं ड्रग स्ट्रेंथ की। हेलोपेरिडोल टेबलेट के ड्रग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो यह आपको 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, 1.5 mg, 2 mg, 5 mg, 10 mg तथा 20 mg के अलग अलग स्ट्रेंथ में मार्केट में आसानी से मिल जाती है। और यह जो स्ट्रेंथ है, पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग डॉक्टर द्वारा पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है। अब बात कर लेते हैं ब्रांड नेम की। हेलोपेरिडोल टेबलेट के ब्रांड नेम की बात करते हैं तो यह आपको मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम से मिल जाती है, जैसे सेरेंस, हाइडोल, एजिडोल, हेलोफोर्ड, हेलोकेयर, ये कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है। हो सकता है आपके एरिया में किसी और ब्रांड नेम से मिले तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि सभी का एक जैसा असर होता है। अब बात कर लेते हैं हेलोपेरिडोल टेबलेट का यूज किन किन कंडीशन में किया जाता है। इस टेबलेट के यूज की बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह एक एंटीसाइकोटिक मेडिसिन है, तो इसका यूज मानसिक बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी हो जाती है, यह एक प्रकार की मानसिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति को हेलुसिनेशन यानी कि व्यक्ति को भ्रम रहता है और उस भ्रम में व्यक्ति को अलग अलग आवाज सुनाई देने लगती है। साथ ही व्यक्ति को डिलीशन, एबनॉर्मल थिंकिंग जैसी समस्या होने लगती है और साथ में व्यक्ति फैमिली मेंबर तथा फ्रेंड्स से दूरी बनाए रखता है। इस प्रकार के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं तो इसको ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को एक्यूट साइकोसिस नाम की बीमारी हो जाती है तो यह भी एक प्रकार की मानसिक बीमारी है। इसके अलावा सेरेब्रल स्क्लेरोसिस के कारण व्यक्ति को कन्फ्यूजन होना तथा एजिटेशन की समस्या हो जाती है। यदि कोई बच्चा या बड़ा हाइपर एक्टिव रहता है, उसे बहुत तेज गुस्सा आता है, या कोई व्यक्ति है जिसको एंजाइटी की बीमारी है तो उसको भी ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को टिक डिसऑर्डर तथा टोर्टेस सिंड्रोम नाम की बीमारी हो जाती है तो इन दोनों ही बीमारी में व्यक्ति अनावश्यक कार्य करने लगता है, जैसे बार बार पलके झपकाना, बार बार खांसना, बार बार हाथ पैर हिलाना, इस प्रकार की समस्या होने लगती है, तो इसको ठीक करने के लिए भी इस टेबलेट का यूज किया जाता है। इस टेबलेट का यूज एंटी इमेटिक के रूप में भी यूज किया जाता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति की उल्टी नहीं रुक रही हो या उल्टी जैसा महसूस हो रहा हो तो उस समय भी इस टेबलेट का यूज किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति अल्कोहल का बहुत ज्यादा यूज करता है और वो अल्कोहल छोड़ना चाहता है तो उस समय जो लक्षण दिखाई देते हैं तो उनको कंट्रोल करने के लिए भी इस टेबलेट का यूज किया जाता है। साथ ही यदि किसी व्यक्ति ने बहुत ज्यादा अल्कोहल ले लिया है और अल्कोहल के कारण उसको भ्रम पैदा हो गया हो तो उसको भी ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। ओवरऑल इस टेबलेट का यूज मानसिक बीमारी को ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है। अब बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट की। इस टेबलेट के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इस टेबलेट के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे बॉडी पेन, वीकनेस, हेडेक, हाई बीपी, लो बीपी, ब्लर विजन, स्लीपनेस, डिजीनेस, कॉन्स्टिपेशन, फीवर,
इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें परमानेंट साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इसमें मूवमेंट डिसऑर्डर नाम की बीमारी हो जाती है, जिसमें हमारी बॉडी में इनवॉलेंट्री मूवमेंट होने लगता है, यानी कि जो हमारे हाथ पैर है ये अपने आप हिलने लग जाते हैं और यह बीमारी हमारी परमानेंट हो जाती है। तो इस प्रकार के कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। इसके अलावा अगर और कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो इस टेबलेट को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात कर लेते हैं इस टेबलेट का क्या डोज रहता है और इसे कितनी मात्रा में दिया जाता है। इस टेबलेट के डोज की बात करते हैं तो इस टेबलेट को व्यक्ति की बीमारी तथा एज और वेट के हिसाब से इस टेबलेट का डोज दिया जाता है। इस टेबलेट के कॉमन डोज की बात करते हैं तो एडल्ट व्यक्ति को सिज़ोफ्रेनिया बीमारी में 0.25 mg से लगाकर 2 mg तक की टेबलेट दिन में 2 से 3 बार लेने की सलाह दी जाती है। और यदि किसी व्यक्ति को सिज़ोफ्रेनिया की बीमारी अगर सीवियर हो जाती है तो उस व्यक्ति को 2 mg से लगाकर 5 mg तक की टेबलेट दिन में 2 से 3 बार दी जाती है। और इस टेबलेट को हमेशा खाना खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है और इस टेबलेट के साथ में कुछ एंटीसाइकोटिक मेडिसिन भी दी जाती है जो कि पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग दी जाती है। इस टेबलेट के टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो इस टेबलेट को 1 महीने से लगाकर 3 महीने तक दी जाती है और किसी व्यक्ति को ज्यादा आवश्यकता होती है तो उसे लंबे समय तक भी दी जा सकती है। अब बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस की। इस टेबलेट के प्रिकॉशंस की बात करते हैं तो यदि किसी व्यक्ति को इस टेबलेट से किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस टेबलेट का दोबारा यूज न करें। यदि कोई लेडीज प्रेग्नेंट है और उसे मानसिक बीमारी है तो उसे यह टेबलेट नहीं दी जाती है क्योंकि पेट में पल रहे बच्चों को नुकसान कर सकती है। यदि किसी व्यक्ति को पार्किंसन डिसीज है तो उसे भी यह टेबलेट नहीं दी जाती है। इस टेबलेट को लेने के बाद आप ड्राइविंग या किसी हैवी मशीनरी पर काम ना करें। यदि आप किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज करते हैं या आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज ना करें। आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से ही मेडिसिन का यूज करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको हेलोपेरिडोल टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।